हैं गंगा को गंगा को सिर के ऊपर दिखाया है, लेकिन गंगा को सदैव तो सिर के ऊपर नहीं दिखाया है। सदैव दिखाया है क्या है? दिखाया है सदैव तो नहीं दिखाया है। गंगा ऊपर से आती है विष्णु के चरणों में से, तो जब आने से पहले गंगा उनके सिर पर तो नहीं थी। फिर सिर में आती है भागीरथ तपस्या करते हैं, तो सदैव तो सिर में नहीं घूमती है। और सिर शिव को तो होता नहीं, किसको होता है? हैं? शिव तो न सिर होता है न पांव होता है न कोई इंद्रियां होती। शंकर को सर दिखाया जाता है, तो शंकर के मस्तक में सिर में गंगा घुमड़ती रहती है, मन मंथन चलता रहता है। उस समय के ज्ञान गंगा की बात है, और वो सदैव ही घुमड़ता रहता है कि शंकर वाली आत्मा संपन्न स्टेज भी धारण करती है। संपन्न स्टेज जब धारण करेगी तो ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहेगा, मंथन या बाप समान भी बनेगा। बाप समान जब बनेगा तो असोचता भोक्ता होगा या मनन चिंतन मंथन करने वाला होगा? जब असोचता होगा, और जब असोचता होगा तो सदैव सदा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप हो जाता है। इसलिए शिव के साथ शंकर को जोड़ दिया जाता है। उस समय नहीं कहेंगे कि उनके सिर में गंगा विराजमान है। गंगा कहाँ चली जाती है? नीचे उतर जाती है, माने नंबरवार औरों के सिर में भी घुमड़ती है, औरों का भी मनन चिंतन मंथन चलता है। पहले बाप के 84 जन्म क्लियर होंगे या बच्चों के होंगे? तो पहले बाप के 84 जन्म क्लियर होते हैं मनन चिंतन मंथन करने से, फिर नंबरवार बच्चों के भी 84 जन्म क्लियर होते हैं। इसलिए गंगा की स्टेज नीचे उतरती जाती है और काशी की स्टेज है सदैव ही ऊंची है। जैसे शंकर सदैव ऊंचा स्टेज में पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी आत्मा है, सूर्यवंशी है, ऐसे ही कोई और भी विशेष साथी आत्मा है रुद्रमाला में, जो सदैव ही ऊंची स्टेज में पार्ट बजाने वाली है। यहां तक कि हिरण्याक्ष जब सारी पृथ्वीवासियों को गड्ढे में ले जाता है, पातालवासी बनाए देता है, तो काशी नगरी पाताल में जाती है? पाताल में नहीं जाती, गड्ढे में नहीं जाती। उस समय भी त्रिशूलवासी रहती है।
सब प्रश्न समाधान हुआ है, कुछ दूसरा पूछ रहे थे। हाँ जी, ज्ञान और भक्ति की जोड़ी है कि ज्ञान अकेला है, ज्ञान राम को कहा जाता है तो सीता को भक्ति कहा जाता है। इसलिए संगम युग में ज्ञान की शक्ति काम करती है और अंत तक काम करती है, बीच में विजयी हो न हो लेकिन अंत में ज्ञान ही विजयी होता है। इसलिए कहा जाता है विजय तुम बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन तुम सब सीताएं हो, ये किसके मुख से कहा गया? सीताओं के मुख से कहा गया या राम के मुख से कहा गया है? राम के मुख से कहा गया तुम सब सीताएं हो, माने तुम सब निश्चय अनिश्चय के चक्र में आने वाली हो। एक है राम, बाकी सब है सीताएं। तो जो भी सीताएं हैं वो एक राम की भक्तियां हैं। राम एक है और भक्तियां अनेक है। एक से ज्ञान आता है और अनेकों से भक्ति आती है। भक्ति है अज्ञान। समाधान हो गया? भक्ति माने ही साक्षात्कार। जो ज्ञान से बात बुद्धि में बैठती है और जो भक्ति या स्वप्न के बाद बात बुद्धि में आती है उसमें ज्यादा स्थायी चीज कौन सी है? ज्ञान के आधार पर, बुद्धि के आधार पर जो बात बुद्धि में बैठेगी वो स्थायी होगी। और स्वप्न आया और गया, साक्षात्कार हुआ और खलास। भक्ति मार्ग में भक्तों को कितने साक्षात्कार हुए? कोई स्वर्ग में चला गया क्या? नहीं, स्वप्न और साक्षात्कार से स्वर्ग स्थापन नहीं हो सकता। ये तो ज्ञान ही है जिसके आधार पर स्वर्ग स्थापन होता है। भक्ति में शक्ति है, लेकिन तब तक शक्ति है जब तक कुछ न कुछ प्योरिटी है। और ज्ञानी में जब परिपक्व ज्ञान स्थापन हो जाता है बुद्धि में तो वो प्योरिटी भी स्थायी हो जाती है। भक्ति हिलती डुलती है, ज्ञानी स्थिर हो जाता है। इसलिए राम वाली आत्मा को 76 में
ज्ञानी होने के कारण, जैसे कहा जाता है नारायण ने जन्म ले लिया, ये मनोबुद्धि के आधार पर कहा जाता है। मनोबुद्धि का आधार ज्ञान भी है और मनोबुद्धि के आधार पर भक्ति भी होती है। तो नारायण को ज्ञान के आधार पर निश्चय बैठ जाता है कि मैं नारायण या राम वाली आत्मा हूं, और लक्ष्मी को किस आधार पर निश्चय बैठता है, जो सदैव खुशी में रहती है। खुशी में रहना माना मौजों की शूटिंग करती रहना, कभी भी दुखी ना होना। जब भी दुख की स्टेज आए तो साक्षात्कार हो जाए, वो दुख स्थाई रह ही नहीं सके। तो ऐसी प्योरिटी की पावर वाली आत्माएं स्वप्न और साक्षात्कार में रहते हुए सुख का आनंद लेती रहती है। अर्थात उनका सुख की दुनिया में जन्म हो जाता है। मन बुद्धि की बात है, और आत्माएं न ज्ञान में परिपक्व बन पाती हैं और न भक्ति में परिपक्व बन पाती है। जब भक्ति में भी परसेंटेज नीचा है या व्यभिचारी भक्ति में है, अब व्यभिचारी भक्ति में नहीं होती है, तो उनको साक्षात्कार भी नहीं हो पाता। साक्षात्कार नहीं हो पाता तो दुख में ही अनुभव करती रहती। न परिपक्व स्टेज का ज्ञान है, न परिपक्व स्टेज की भक्ति है, न प्योरिटी है। तो और आत्माओं के लिए नहीं कह सकते कि उनका बेहद का जन्म हुआ, लेकिन लक्ष्मी नारायण के लिए कह सकते हैं कि उनका बेहद का दिव्य जन्म हो गया। उन आत्माओं को पक्का निश्चय बैठ गया कि मैं लक्ष्मी का पार्ट बजाने वाली निकट भविष्य की आत्मा हूं। नारायण को भी पक्का निश्चय बैठ जाता है कि निकट भविष्य में सारे संसार में नारायण के रूप में प्रसिद्ध होने वाली मैं ही एकमात्र आत्मा हूं। उस निश्चय के आधार पर उनका पुरुषार्थ भी तीव्र गति पकड़ लेता है। जैसे कहते भी हैं कि बीए एमए करने के बाद, बड़े बड़े टाइटल लेने के बाद उतनी लायकात नहीं आती है, लेकिन जब कुर्सी मिल जाती है तो कुर्सी उनको लायकात सिखाई देती है। ऐसे ही यहां पर भी है। और मेघनाथ का नाम इंद्रजीत कैसे भरा है? मेघनाथ का नाम इंद्रजीत कैसे भरा है? इस समय ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं कि रावण का बेटा मेघनाथ था। मेघ माने बादल, और बादल जैसे जोर से गर्जना करता है तो कोई तो चौंक जाते हैं, कानों में उंगली रख लेते हैं। तो वो जोर से बादल की तरह नाद करता था, आवाज करता था। वो जोर शोर की आवाज स्थूल आवाज रही होगी या ज्ञान की आवाज रही होगी? है वो ज्ञान से संबंधित आवाज है। संगम युग की ही बात है, जिस जोर की आवाज को सुनकर के
जो कच्चे कान वाले हैं वो दहल जाते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ा मेघनाद। उसने एक टाइम ऐसा था इंद्र को भी जीत लिया, इसलिए इंद्रजीत कहा जाता था। अब स्वर्ग का राजा तो इंद्र कहा जाता है, राजा इंद्र सदैव ही स्वर्ग का राजा है, या जब संपन्न स्टेज बनती है तब स्वर्ग का राजा बनता है, है? पुरुषार्थ संपन्न होने की स्टेज से पहले राजा बन जाता है स्वर्ग का, या बाद में बनता है? है, बाद में बनता है। तो जब उसने स्वर्ग के राजाई की कुर्सी प्राप्त नहीं की थी, पुरुषार्थ ही स्टेज में था, तब माया से हारता होगा या जीतता होगा, तब माया से हार भी होती थी। तो उस समय का गायन है कि रावण का एक ऐसा भी बेटा था जो ज्ञान की ऐसी दहाड़ मारता था कि उससे, उस दहाड़ से इंद्र का टाइटल पाने वाली आत्मा भी दहल जाती थी, जवाब देने में निरुत्तर हो जाती थी, उसका सामना नहीं कर सकती थी। ये सारी बातें यादगार कहाँ की है? संगम युग की यादगार है। और राजाएं देवताएं भी बनते हैं और राजाएं राक्षस भी बनते हैं, लेकिन राक्षस बड़े होते हैं, संप्रदाय राक्षस संप्रदाय बड़े होते हैं ताकत में, या दैवी संप्रदाय बड़े होते हैं ताकत में? राक्षस संप्रदाय पहले पैदा होते हैं, दिति से पैदा हुए दैत्य राक्षस, दिति बड़ी रानी का नाम और अदिति छोटी रानी का नाम। अदिति से पैदा होते हैं अद्वैत, वो छोटे थे तो बड़े बच्चे में ज्यादा ताकत होती है या छोटे में ज्यादा ताकत होती है? बड़े में ज्यादा ताकत होती। तो राक्षस तो पहले से ही थे। और जो बड़े से बड़े बेहद के साइंटिस्ट हैं वो कौन है? चंद्रमा पर पहले पहले जाकर के जो जानकारियां लाया उसका नाम क्या था? साइंटिस्ट ही था ना, उसका नाम क्या था? आर्म्स स्ट्रांग, स्ट्रांग माने मजबूत, आर्म्स माने भुजाएं, जिसकी भुजाएं बड़ी मजबूत होती है। कौन था वो?
अरे हजार भुजाएं किसको गाई जाती है? ब्रह्मा को। और जिनका नाम ब्रह्मा पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मा तो अनेकों के नाम होते हैं, उन ब्रह्मा नामधारियों में बड़े से बड़ा ब्रह्मा कौन है? जो पहले पहले नारायण बनता है, है प्रजापिता ब्रह्मा। कौन से सन की बात है? जब ये बात संसार में प्रसिद्ध हो गई, 69। ब्रह्मा बाबा ने शरीर कब छोड़ा था? 69 में शरीर छोड़ा, और 69 में ही वो बेहद की आप स्ट्रांग आत्मा, वो बड़े से बड़ा वैज्ञानिक, बड़े से बड़ी हिम्मत करने वाला, उसने बड़ी से बड़ी जानकारियां चंद्रमा की इकट्ठी कर ली। माना चंद्रमा के सबसे नजदीक पहुंचने वाला प्राणी कौन हुआ? आर्मस्ट्रांग। तो उसके बाद और भी तो नंबर वार आत्माएं हैं, जो आत्मा की सूक्ष्म स्टेज धारण करके बहुत स्ट्रांग बनती है। अभी पता चला कि आम से स्ट्रांग तो चंद्रमा तक पहुंच ही नहीं पाया था उस समय, अभी तो वैज्ञानिक और ही नजदीक चंद्रमा के पहुंच चुके हैं। पहले ये भी पता नहीं लगा था कि चंद्रमा पर जल है या नहीं है, और अभी तो ये भी पता लग गया कि चंद्रमा पर भी जल है। तो सोचने की बात है, बेहद का जल को कौन सा होता है? ज्ञान जल। बेहद का ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है। ब्रह्मा तो बच्चा बुद्धि कृष्ण की आत्मा है। बच्चे में ज्ञान होगा या बड़े में ज्ञान होगा? बड़े में ज्ञान होता है, सगीर बुद्धि में। तो 69 में तो दादा लेखराज ब्रह्मा अर्थात कृष्ण की सोल ने बेसिक ज्ञान लेकर के शाखा गा ABCD सीख करके शरीर छोड़ा था। उस समय तो एडवांस ज्ञान था कि नहीं, तो उस आत्मा में भी ज्ञान होने की बात हो ही नहीं सकती। ये तो बाद में सूर्य के जितना जितना नजदीक पहुंचता गया ज्ञान चंद्रमा, संग का रंग लगता गया, तो ज्ञान की बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी? बढ़ोतरी हो जाती है। एक टाइम ऐसा भी आवेगा कि वो कृष्ण बच्चा पुरुषार्थ करते करते संग का रंग लेते लेते बाप समान भी बन जावेगा। तो बेहद की बातें हद की दुनिया में लागू होती है। हद की दुनिया के जो वैज्ञानिक हैं, वो सूक्ष्म कणों का अवगाहन करते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन वगैरह वगैरह। लेकिन जो बेहद की दुनिया के वैज्ञानिक हैं, एडवांस पार्टी की रुद्रमाला की आत्माएं, वो ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये तीन कण जो सूक्ष्माति सूक्ष्म कण है, उनका आलोड़न करते हैं। और तीन का परिचय जिन्होंने ले लिया,
मानो त्रिमूर्ति शिव का परिचय ले लिया। त्रिमूर्ति शिव का पूरा परिचय लेने वाला सारे ब्रह्मांड का परिचय लेने वाला कहा जाता है। एक चंद्रमा की तो बात ही छोड़ो, वो वैज्ञानिक तो मानते हैं कि एक चंद्रमा तो क्या सभी ग्रहों उपग्रहों पर जीव सृष्टि है, लेकिन उनकी मान्यता तो गलत है। शास्त्रों में लिखा हुआ था कि चंद्रमा पर देवात्माएं रहते, वो चंद्रमा वाली आत्मा कामधेनु गौ में प्रवेश करती है, गौ के शरीर में भारतवासी 33 करोड़ देवताओं का वास मानते हैं। तो उन वैज्ञानिकों ने भी समझ लिया कि वहां कोई सृष्टि होती होगी। वास्तव में ये सिर्फ शास्त्रों की मान्यता की बातें हैं। जो चैतन्य धरती के सितारे हैं 9 लाख, उन सितारों में जो 9 विशेष आत्माएं नवग्रहों के रूप में पूजी जाती है, वो चैतन्य आत्माएं हैं। और एक एक आत्मा रूपी सितारे में उनकी रचना भरी हुई है, एक एक पूर्वज लाखों और करोड़ों आत्माओं को ज्ञान का जन्म देता है, और वो जन्म लेने वाली आत्माएं उस ग्रह को उपग्रह को जन्म जन्मांतर फॉलो करती है। ये बेहद की सृष्टि है, जिसको ना समझ पाने के कारण उन देह दृष्टि वाले वैज्ञानिकों ने जगतमयी सृष्टि में वो अवधारणाएं बना रखी है जो कि गलत धारणाएं हैं। और वो तो ओजोन फट रहा है, तो ओजोन फटने के कारण गर्मी तो बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। और बढ़ने के कारण जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं, उनमें भी दरार आ रही है, तो दरार बढ़ते बढ़ते वो पहाड़ फटेंगे तो समंदर में आएंगे या नहीं आएंगे? तो समंदर का स्तर ऊंचा ही उठेगा। और वही बात बाबा ने बोली है कि एक तो ओजोन के कारण और दूसरे एटमिक विस्फोट के कारण संसार में गर्मी बढ़ेगी या घटेगी? संसार की गर्मी बढ़ती ही जाएगी, और जब गर्मी बढ़ेगी तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पहाड़ फट पड़ेंगे, और समंदर में आ जाने से समंदर का जल स्तर ऊंचा हो जाएगा, और जो
महाद्वीप आज से 500 साल पहले अमेरिका और 300 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का अस्तित्व ही मस्तिष्क पटल पर नहीं था। वो समंदर के गर्त में समाने लगेंगे। ये विनाशी धर्मखंड है। विनाशी धर्मखंड, इनकी हिस्ट्री पहले थी ही नहीं। 2500 साल के अंदर की इनकी हिस्ट्री है, इनकी और इनके धर्म पिताओं की भी। तो नहीं ये विनाशी धर्मखंड रहेंगे और न विनाशी धर्म रहेंगे। सब समंदर के गर्त में समा जाएंगे। ऐसे ही ये बेहद का ज्ञान सागर सब अधर्मियों का विनाश कर देगा। एक भारत देश में सब धर्म की स्थापना रह जाएगी, वो भी जो दक्षिण भारत, भारत का विदेश कहा जाता है, वो भी समुद्र तल में समा जाएगा। उत्तर भारत का वो हिस्सा जो भगवान की जन्मभूमि कहा जाता है, वो ही बचेगा। जिसका नाम ही है माया सभ्यता, तो माया अज्ञान फैलाती है या ज्ञान फैलाती है? माया तो अज्ञान ही अज्ञान फैलाएगी। है वास्तव में बेहद की बात, और ये बेहद की बात बेहद में लागू हो सकती है, लेकिन हद की दुनिया वाले जैसे समझते हैं और उनको समझाया जा रहा है, वो बात बिल्कुल लागू नहीं होगी। न पृथ्वी की धुरी 2012 में चेंज हो जाएगी। वो पृथ्वी तो जड़ है, जड़ पहले परिवर्तन होता है या चैतन्य पहले परिवर्तन होता है? चैतन्य ही परिवर्तन होता है और चैतन्य ही परिवर्तन करता है। तो वो जड़ पृथ्वी, वो हमारी माता नहीं है। जिस माता की हम पूजा करते हैं, धरती माता, वो चैतन्य रही होगी या जड़ रही होगी? वो चैतन्य धरती माता है, उसको कामधेनु कहा जाता है। और पृथ्वी पर सब कामनाओं की पूर्ति होती है। कोई ऊपर का ग्रह उपग्रह नहीं है स्वर्गलोक में जहां सब कामनाओं की पूर्ति होती हो, या विकारी कामनाओं की पूर्ति कोई पाताल लोक में होती हो जो आसुरी कामनाएं कही जाती है। चाहे आसुरी कामनाएं हो चाहे दैवी कामनाएं हो, दोनों प्रकार की कामनाओं की पूर्ति जगदम्बा के द्वारा गाई हुई, वो कामधेनु गई गौआ कही जाती है, जो सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करती है, अच्छी कामनाओं की भी पूर्ति करती है। और जगत में जो विधर्मी है, विपरीत धर्म वाले राक्षस संप्रदाय है, उनकी भी अम्मा है। अम्मा बड़ी मोहमयी होती है और मोह में आकर के बच्चों के सब अपराध क्षमा कर देती है, दुष्ट कामनाएं भी पूर्ति कर देती है। लेकिन लक्ष्मी सिर्फ एक ही कामना की पूर्ति करती है। कौन सी कामना?
ज्ञान की कामना, लक्ष्मी की आत्मा, लक्ष्य को प्राप्त करने वाली संपन्न आत्मा है। वो जानती है कि जो ईश्वर से दी हुई चीज है, ईश्वर का जो दिया हुआ वरदान ज्ञान है, वो ही संसार का कल्याण कर सकता है। उसका अगर हम दान देंगे, उस ज्ञान की इच्छा की पूर्ति करेंगे, तो सबका कल्याण होगा। उसके अलावा, ज्ञान की इच्छाओं के अलावा अन्य दुनियावी अज्ञान की इच्छाओं की पूर्ति अगर हमारे द्वारा होगी तो दुनिया का कल्याण नहीं होगा। तो ये पृथ्वी माता है, पृथ्वी आती थी, पृथ्वी जो फैलती जाती है उसको पृथ्वी कहा जाता है। नई दुनिया सतयुग सुखधाम के आदि में पृथ्वी का बहुत छोटा रूप था, जिसे भारत माता कहा जाए। वो भारत माता का विस्तार द्वापर युग से, जब से और धर्म के लोग आने लगे, और धर्मखंड समुद्र से ऊपर आने लगे, सबसे पृथ्वी का विस्तार होने लगा। और विस्तार होते होते आज ये हालत हो गई है कि पृथ्वी माँ काली का रूप धारण करने वाली है। माँ काली का रूप धारण करती है तो सब असुरों का संहार कर देती है। दो हजार बारह में जड़ पृथ्वी अपना धुरी चेंज नहीं करेगी, ऐसा नहीं हो सकता। ये ज्ञान की विपरीत अज्ञान फैलाने वाली बातें हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जो चैतन्य पृथ्वी माता है, धरणी माता है, जगत की अम्बा है, उसकी बुद्धि की धुरी चेंज हो जाए, और सब कुछ परिवर्तन होने लगे। और अमेरिका वालों को सबको नहीं कहते, जो शुरुआत में वहाँ कोलंबस जब पहली बार यात्रा करते करते भूल गया और अमेरिका में पहुंच गया, तो वहाँ जो लोग रहते थे उनका नाम उन्होंने रेड इंडियंस रख दिया। इंडियंस इसलिए रखा कि वहाँ के रहने वालों ने बताया कि हम पहले भारतवासी थे, जो समंदर में रास्ता भूल गए और चलते चले गए प्रशांत महासागर में, चलते 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 अमेरिका में पहुंच गए। बीच में उन्हें कोई दूसरा महाद्वीप मिला ही नहीं, इसलिए उनका नाम रेड इंडियंस रख दिया। और असुर अपने को पहले प्रत्यक्ष करते हैं, या देवताएं पांडव अपने को पहले प्रत्यक्ष करते हैं, या गुप्त रहते हैं अंत तक है? तो वैष्णवी शक्ति पांडवों में से है। कुंती है
या राक्षसी संप्रदाय होगी है तो बाद में ही प्रत्यक्ष होगी। लक्ष्मी वैष्णवी शक्ति का प्रत्यक्ष होना माने स्वर्ग स्थापन हो जाना। खास करके रुद्रमाला के बीच उनको खुद को पता चल गया या सबको पता चल गया? खुद को पता चल गया। उनको पता भी चल जाए, सीता को पता भी चल जाए कि राम कौन है और कैसी शक्ति धारण करने वाला है, तो भी रावण की जेल से निकल सकती है? हैं? नहीं निकल सकती। पता चल जाने से क्या होता है? जबकि मुरली में वैष्णवी शक्ति लक्ष्मी का पार्टी बकरी का साबित कर दिया, त्रिमूर्ति में वास्तव में तीन शेर नहीं है, मुरली में बोला उनमें एक शेर है, एक घोड़ा है मनरूपी और एक बकरी है, है? बता तो दिया। पहले राक्षसी आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी या पहले जो शुद्ध देवी है वो अपने को प्रत्यक्ष करेगी? जो राक्षसी बच्चे होते हैं माँ बाप के रहते रहते अपना नाम रोशन करेंगे, या जो दिव्य बुद्धि वाले बच्चे होते हैं वो माँ बाप के रहते रहते अपना नाम रोशन करेंगे? है असल प्रत्यक्ष करेंगे। तो देवियों में भी नंबरवार देवी हैं, कोई देवियां ऐसी हैं जैसे महाकाली, ज्यादा उनकी पूजा कौन करते हैं? हैं? राक्षस ही पूजा करते हैं, चोर डकैत भंगी नीच जात के लोग वो ज्यादा पूजा करते हैं। डकैती डालने जाएंगे पहले महाकाली की पूजा करेंगे, मांस गोश्त शराब खुद पिएंगे तो पहले भोग लगाएंगे। और माता जी अरे बाबा ने तो बता दिया है, इन सन्यासियों को क्या कहेंगे? रावण कहेंगे। रावण संप्रदाय कहा है इनको, रावण नहीं कहा है। इन रावण संप्रदाय में ही ऐसे भी हैं जो अंत तक सोते रहते हैं। साधु सन्यासियों का भारत में सबसे जास्ती जमावड़ा नॉर्थ इंडिया में है या साउथ इंडिया में है? कहाँ? नॉर्थ इंडिया में सबसे जास्ती जमावड़ा है। और नॉर्थ इंडिया में जहाँ साधु संतों का बहुत प्रभाव है वहां की आत्माएं इस ज्ञान में जग रही है या सो रही है? तो कुंभकर्णों की धरणी है या बाप के बच्चों की धरणी है? अभी कुंभकर्णों की धरणी कहेंगे। और बाप भी कहते हैं कि बाप इस समय विदेशी बनकर के आया हुआ है। कभी कहा स्वदेशी बनकर आया हुआ है? है? विदेशी बनकर आया हुआ है। तो विदेशी बनकर के आया हुआ है तो विदेशी बाप को पहले पहचानते हैं या स्वदेशी पहचानते हैं?
तो जो पहले पहचानते हैं वो तो कुंभकर्ण है नहीं, वो तो जग गए, और जो अभी भी नहीं पहचानते हैं 70-71 साल हो गए, बाप को नहीं जानते हैं। जानने की तो बात ही छोड़ो, और ही ठुकराते हैं। वो नॉर्थ इंडिया में है, वो ही कुंभकर्ण है। और बाबा आगे क्या बोला, जब फाइनल परीक्षा माया की होगी तो निश्चय बैठ जाएगा या निश्चय बहुतों का उखड़ जाएगा। जब निश्चय उखड़ जाएगा तो सड़क का नशा उड़ जाएगा या रह जाएगा, है उड़ जाएगा। बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला, बाप के ऊपर निश्चय पक्का है तो स्वर्ग की बादशाही भी पक्की है, और बाप का निश्चय ही उखड़ गया, बच्चा ही मर गया, तो जो मर गया तो नरक की दुनिया में मर गया, निश्चय बुद्धि होकर मर गया या निश्चय बुद्धि होकर मर गया, है अनिश्चय बुद्धि विजयते या मरणते, वो तो मर गया। स्वर्ग पर विजय वो ही प्राप्त करेंगे जो निश्चय बुद्धि होंगे। माया ने अभी फाइनल पेपर लिया ही कहाँ है, अभी तो माया रूपी रावण संप्रदाय प्लानिंग बना रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, और प्रोग्राम करके जो भी दुनिया के बड़े बड़े सन्यासी हैं उनको अज्ञान की नींद में सुलाए रहे हैं या जगाए रहे हैं, बाप के परिचय से बहुत दूर ले जा रहे हैं। दुनिया के जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, बड़े बड़े शासनाधीश हैं, अधिकारी हैं, बड़े बड़े मंत्री मिलियनायर्स हैं, उनको बड़े बड़े भक्ति के प्रोग्राम करके माया का पॉम्प एंड शो दिखा करके अज्ञान की नींद में सुलाए रहे हैं या जगाए रहे हैं, सुलाए रहे हैं। इसलिए सुलाए रहे हैं, इसलिए सुलाए रहे हैं कि भगवान के जो बच्चे हैं जो कहते हैं हमें बाप मिल गया, उनकी माया परीक्षा लेने वाली है। दुनिया के जो बड़े बड़े शोहरत फैलाने वाले अखबार हैं उनमें नोटों की गड्डियां फेंक फेंक करके उल्टी बातें छपाए छपाए के बच्चों की परीक्षा लेगी कि देखें इनका निश्चय पक्का रहता है या टूटता है। दुनिया के जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं उन चैनल्स के द्वारा बाप की और बाप के बच्चों की ग्लानी बरपा करके बच्चों की परीक्षा लेगी कि बच्चों को एक बाप के ऊपर निश्चय बैठता है या उखड़ जाता है। बड़े बड़े जो रेडियो के केंद्र हैं उन केंद्रों में अधिकारियों को, जैसे कि टीवी के चैनल्स वालों को नोटों की गड्डियां फेंक फेंक करके दुष्प्रचार करेंगे, जैसे कि सन 98 में
यूपी में दुष्प्रचार किया था। यूपी के चारों ही बड़े बड़े अखबारों में दुष्प्रचार किया था। एक दो दिन नहीं, लगातार 2 महीने तक। तो लोगों की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि वो तो अज्ञानी है। लेकिन उनका, दुनिया वालों का, गांव वालों का, शहर वालों का, रिश्तेदारों का जो अज्ञानी है, उनका फोर्स बच्चों के ऊपर पड़ेगा, तब देखने में आएगा कि कौन बच्चे निश्चय बुद्धि है और कौन अनिश्चय बुद्धि है। अभी कोई फाइनल पेपर नहीं हुआ है, और जो नौवा है वो देव नहीं है, महादेव पहला है, तो नौवा नंबर है। जो नौवा है वो राक्षस है या देवता है? नौवा अष्ट देवों की पूजा होती है या नौ की पूजा होती है? हैं? अष्ट देवों की पूजा होती है, उसमें नौवा नंबर जो है वो राहु राक्षस है। राहु की दशा सबसे खराब होती है, उससे ज्यादा अच्छी दशा तो शनि देव की है, उसको शनि देव कहा जाता है, उसको शनि राक्षस नहीं कहते हैं। भले उसकी भाषा, उसका बोल राक्षसों जैसा है, फिर भी शनि देव कहा जाता है। वो अष्ट देवों में हो सकता है, लेकिन नौवा ग्रह है लेकिन देव नहीं है। और है नौ ग्रहों की पूजा करते हैं, लेकिन लेकिन जो ग्रह है वो घरग्रस्त बना करके राक्षस भी रहते हैं और देवताएं भी रहते हैं। ग्रह वो बात अलग, लेकिन वो राक्षस हैं या देवता हैं ये बात अलग। और शनिदेव को हाँ, जो शनिदेव है उसको शुद्ध घी नहीं चढ़ाया जा सकता। जो शुद्ध घृत है वो एक की याद को शुद्ध घृत कहा जाएगा, गाय का घी, या शनिदेव को जो चढ़ाया जाता है उसको घी कहा जाएगा? है नहीं कहा जा सकता। घृत माने याद का घृत, वो एक को याद ही नहीं करता। जब सतयुग त्रेता में है तो सतयुग के अंत का मान लो नारायण ही है, प्रजावर्ग की बात ही छोड़ दो। जो आठवां नारायण है सतयुग का, पौने 16 कला संपूर्ण, बस पौने 16 नहीं, पौने 14 कला संपूर्ण नहीं, सवा 14 कला संपूर्ण, तो वो सवा 14 कला संपूर्ण नारायण अपने से पूर्व में पैदा हुए नारायणों को श्रेष्ठ मानेगा या नहीं मानेगा? मानेगा।
वो एक को श्रेष्ठ नहीं मानेगा, अपने से पूर्व में होने वाले सभी नारायणों को पूर्वज और श्रेष्ठ मानेगा, और वो ही नारायण वाली आत्मा जब जन्म लेते लेते द्वापर में आती है तो द्वापर में पहला पहला धर्म पिता कौन आता है? इब्राहिम। तो अपने धर्म को छोड़ करके सभी धर्मों में जो भी नारायण हुए हैं उन सब नारायणों के परंपरा को छोड़ेगा और इब्राहिम से प्रभावित होगा या नहीं प्रभावित होगा? सब को छोड़ देगा, देवता धर्म को यूं चुटकियों में त्यागेगा, नो अपेक्षा देवता धर्म की, और इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आठवां नारायण बौद्ध ही आते हैं तो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्राइस्ट आता है तो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मोहम्मद आता है मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सन्यासी में कन्वर्ट हो जाएगा। जहां देखी तबा बारात वही बिताई सारी रात। आज के नेताएं क्या कर रहे हैं? हैं? जिस पार्टी का प्रभाव ज्यादा देखा उसी पार्टी में एक एक करके कन्वर्ट होते जाते हैं, उन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं, उनके राज्य का नाम ही है धर्म निरपेक्ष राज्य। हमको धर्म की कोई अपेक्षा नहीं है, वो किसी धर्म पर आस्था नहीं रखते, न देवता धर्म पर, न इस्लाम धर्म पर, न मुस्लिम धर्म पर, न क्रिश्चियन धर्म पर। ऐसे हैं ये आर्य समाजी जिनका राज्य भारतवर्ष में अभी चल रहा है। हर धर्म से कन्वर्ट होते हुए आए हैं, हर धर्म को इन्होंने ठोकर मारी है, किसी धर्म की इनको अपेक्षा नहीं है। तो उनका जो याद का घृत है वो घी कहा जाए कि तेल कहा जाए, है उसमें अंश मात्र भी घृत का नाम निशान है या नहीं है? है नहीं। कहां घी और कहां कहां तेल, बहुत अंतर है। तो शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है, उन्हें तेल ही अच्छा लगता है, ग्रत उनको पसंद नहीं है। गुरु नानक देव को कौन सा पांडव की लिस्ट में डालेंगे? है? क्यों? जिन्होंने सदैव देवताओं का साथ दिया है, कभी भी और धर्म वालों का साथ नहीं दिया है, वो है तो सबसे लास्ट वाला पांडव, सबसे छोटा, कलयुग के अंत में जिसको राज्य मिलता है, क्योंकि छोटे भाई को अंत में राज्य मिलता है या पहले या मध्य में? अंत में मिलता है, लेकिन वो ऐसा है काम के आधार पर जो नाम पड़ता है कि सच्चाई को मानने से ना नहीं कह सकता, इसलिए उसका नाम
ना ना